हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीषा आर्ट ऑफ कुकिंग। आपने बहुत सारी तरह की पकौड़ियाँ खाई होंगी, बट आज मैं केले की पकौड़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और साथ में अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हेल्दी और बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ये इवनिंग स्नैक्स में भी बहुत अच्छा जाता है। इसकी पेस्ट को आप रख सकते हैं और साथ में जब मन करे गर्मा गर्म फ्राई करके इसे चाय के साथ सर्व करके इंजॉय कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस केले की पकौड़ी बनाने के लिए हमें कच्चे केले की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कच्चे केले ऊपर नीचे से कट करके 5 से 6 ले लेती हूँ और अब मैं इसे बॉयल कर लेती हूँ। और अब ही मेरा जो कच्चा केला बिल्कुल बॉयल हो चुका था और साथ में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू भी साथ में बॉयल कर लिए थे, उसके छिलके उतार लिए हैं और अब केले के छिलके भी उतार लेने हैं साथ में। और अब बॉयल्ड आलू और केले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैश कर लेना है, कुछ इस तरीके से। आपस में गुठलियाँ ना रहें कहीं बीच में, इसका हमें खासम खास ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन हमें बारीकी चॉप करके ऐड कर लेने हैं। और अब यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर लिए हैं। और अब इसके बाद 2 से 3 चम्मच चावल का आटा यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। और अब लाल मिर्च पाउडर हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। एंड अब इसके बाद 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून यहाँ पे साथ में हमें जीरा पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डाले हैं। और सब इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद इसकी एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाती है, कुछ इस तरीके से। और अब हमें इसे हल्के हाथ से अपने मनचाहा शेप देते हुए गोल या फिर लंबे शेप में, कुछ भी आप जैसा आपका मन करे आप इसे इसकी बस शेप देते हुए इसके एक गोल गोल लड्डू बना लें, जैसा कि मैंने इस तरीके से बना लिया है। और साथ में मैंने एक गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इन सारे पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए ढेर सारा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर लिया है। और इधर आप देख सकते हैं कि पकौड़ियों के लिए गोल गोल लड्डू मेरे बनके तैयार हो चुके हैं, बस इन्हें फ्राई करने की देरी है। तो बस लेट क्या है, अब हमारी तेल भी गर्म हो चुके हैं और मैं एक एक करके सारी पकौड़ियों को तेल में ऐड कर लेती हूँ। और इस वक्त हमारे गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी लो रहेगा। और उसके बाद जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारे गैस के फ्लेम जो हम मीडियम फ्लेम पे से फटाफट फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सारी चीज़ ऑलरेडी पहले से बॉयल्ड है। और अब 2 मिनट हो जाने के बाद गैस के फ्लेम को कम करते हुए हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। और फ्लिप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अभी से ही बहुत ही क्रिस्पी दिखने लगा है। और सारी पकौड़ियों को हम फ्लिप कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी वो अच्छी तरह से क्रिस्पी और कुरकुरी होकर वो फ्राई हो। और अब इसी तरीके से फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम करते हुए अपनी पकौड़ियों को आगे पीछे पलटते हुए और इस तरीके से अच्छी तरीके से जब ब्राउन हो जाता है, जब तक ये पूरी तरीके से ब्राउन होकर क्रिस्पी ना दिखे, हम फ्राई करेंगे। और अब कुछ इस तरीके से पकौड़ियों का कलर दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ियाँ देखने में काफ़ी क्रिस्पी लग रही हैं। और इस स्टेज पर हम अपनी पकौड़ियों को प्लेट आउट कर लेते हैं। और अब बाकी की पकौड़ियों को भी हमें सेम प्रोसेस के साथ सेम फ्लेम पे उसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। और अब फ्राई होने के बाद हम अपनी पकौड़ियों को ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसे रेड चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में चाय के साथ आप इसे इंजॉय कीजिए। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। आप पहले से पेस्ट बना के इसे फ्रिज में रखिए और शाम को फटाफट चाय के साथ इसे पकौड़ियों के साथ चाय को सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ा आता है, टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। इन्जॉय।